वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट. इन अदर वर्ड्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. इन सब की हम विस्तार से जानकारी आज के वीडियो में आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं. निश्चित रूप से हर एक प्रोड्यूसर सामानों को फिर बेचता भी है. बेचने का काम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हर एक प्रोड्यूसर्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने की ज़रूरत है. कि उसे जानने की ज़रूरत है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी, वो सक्सीड कर पा रहा है कि नहीं, वो फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं. इस कारण से कॉस्ट को जानने की ज़रूरत है, कॉस्ट के वैल्यू को जानने की ज़रूरत है, उसको कंपेयर करने की ज़रूरत है अदर प्रोड्यूसर से, मार्केट से, और फिर डिसीजन की स्थिति में हम आ पाएंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है. लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जानना. एंड फॉर दैट वेरी पर्पस, निश्चित रूप से हम इस उद्देश्य से जो अकाउंटिंग बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से हमें प्रोडक्शन के कॉस्ट की जानकारी हो जाती है, और उसके पश्चात सामानों को बेचना है, निश्चित रूप से वो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी होगी, और फाइनली नेट प्रॉफिट या इंटायर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के बाद के प्रॉफिट को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. सबसे ज़रूरी चीज़, जैसा कि हम आपको बतला रहे हैं, हर एक प्रोड्यूसर्स के लिए इस बात को जानने की ज़रूरत है कि उसके द्वारा बनाए गए सामान का कॉस्ट क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया. इस बात को हमें सबसे पहले ज़रूरी है जानना. तो निश्चित रूप से जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आइटम है जो आज तक हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखलाए थे इन केस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो उसे हम प्रोडक्शन से रिलेटेड आइटम को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले आएंगे. इतना ही नहीं, हम जानते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा मशीन का यूज़ किया जाता है, तो मशीन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस लॉसेस है, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज तक दिखलाते थे, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करते हैं. तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है रिकॉर्ड कर लेने के पश्चात, जैसे प्रोडक्शन करता है तो दुनिया में कोई भी आदमी प्रोडक्शन करता है तो निश्चित रूप से रॉ मटेरियल का यूज़ करता है, या बीच में अर्धनिर्मित अवस्था में वर्क इन प्रोग्रेस या पार्टली फिनिश्ड अवस्था में सामान है तो उसे भी फाइनली बनाना है, तो उसका भी प्रोडक्शन से संबंध है. इसलिए उस सबको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम दिखलाएंगे, चाहे उसका ओपनिंग वैल्यू हो चाहे उसका क्लोजिंग वैल्यू. इतना ही नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेज है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और परचेजेज है फैक्ट्री से रिलेटेड, जितने भी एक्सपेंसेज हैं सामानों को कैरी करके लाने में जितने खर्च हुए हैं, निश्चित रूप से कैरी करके लाने का मकसद परचेजेस है, परचेजेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं और परचेजेस आइटम को, इन सब को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखलाएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी आ जाएगी. अब बच गया सिर्फ ओपनिंग फिनिश्ड और क्लोजिंग फिनिश्ड और सेल्स वैल्यू, से ही सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे. और जैसा कि बतलाए, अभी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट आया, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आएगा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट की के नाम से जानते हैं, और इसके बाद अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जहां से हमें नेट प्रॉफिट की जानकारी होगी. उसमें याद रखेंगे मशीन से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस लॉसेस है ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने में, इसलिए उसका दोबारा ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग नहीं करेंगे. तो मशीन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस है उसको छोड़ करके बाकी जितने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, इनकम्स हैं, जो प्रॉफिट लॉस में पहले से भी लिखते चले आ रहे हैं, लिख करके दिखलाएंगे. यही है हमारा फॉर्मेट या कंसेप्ट या प्रारूप, या आप कहिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाने का नियम है, तरीका है. इन सब बातों को समझने के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके सामने मिले रहे हैं, जिसकी मदद से हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके भी प्रेजेंट करें. क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक में फिनिश्ड गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू है, परचेजेज है, कैरेज ऑन परचेजेज है, वेजेज का वैल्यू है, फैक्ट्री सैलरी है, ऑफिस सैलरी है, डेप्रिसिएशन मशीन है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, बैड डेट्स का वैल्यू है, सन्ड्री एक्सपेंस है,
सेल्स वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश्ड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है एंड वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू है। इन सब से हमें प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जानकारी सबसे पहले लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जिस भी बिजनेसमैन का बना रहे हैं उसका नाम को लिखेंगे, बिजनेस का बना रहे हैं और जिस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, चूंकि डेट और बिजनेस का नाम नहीं मेंशन नहीं है इसलिए हम भी नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्टिकुलर अमाउंट के नाम से कॉलम बनता है। डेबिट के लिए 2 से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट को 22 से। अब 1 by 1 जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आइटम होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखला देंगे। इसके पश्चात हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का भी प्रोफॉर्मा या कॉलम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में या पेज के नीचे में, फिर बना देंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की जानकारी हो। 1 by 1 सभी आइटम को हम इसमें प्रेजेंट करेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल से रिलेटेड। कॉलम का नाम उसी तरीके से पार्टिकुलर अमाउंट के नाम से होगा। डेबिट के लिए यहां भी 2 और क्रेडिट के लिए 22, एक अंदाज से कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, यहाँ से यहाँ तक पीएल अकाउंट आएगा। प्रोफॉर्मा या कॉलम बन जाने के बाद अब एक एक आइटम को हम पढ़ेंगे और निश्चित जगह पर लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारा ओपनिंग फिनिश्ड है। फिनिश्ड का संबंध जैसा कि बतलाए ट्रेडिंग अकाउंट से ओपनिंग वैल्यू है तो डेबिट में दिखलाएंगे। ओपनिंग फिनिश्ड मटेरियल, $6,000। इसके बाद ओपनिंग वैल्यू है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, जिसका कि संबंध प्रोडक्शन से है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करेंगे। ओपनिंग रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग WIP, इसका वैल्यू है 3,000 एंड 2,000। इसके पश्चात है हमारा परचेजेस, अंडरस्टूड है परचेजेस का संबंध सीधा प्रोडक्शन से है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा 30,000। कैरेज ऑन परचेजेस, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कैरेज रहे, कैरेज इनवर्ड रहे, कैरेज ऑन परचेजेस रहे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो, अदरवाइज ये सब ट्रेडिंग में लिखते थे। 800 रुपीज। वेजेस का भी संबंध प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा 13,000। फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री इज द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए उससे रिलेटेड भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सिर्फ सैलरी रहता है तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, इन फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन प्लेस। ऑफिस सैलरी तो निश्चित रूप से ऑफिस से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, मशीन, मशीन का संबंध प्रोडक्शन से है इसलिए उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 6,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर
का प्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, इसलिए प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आइटम है, पहले भी लिखते रहे हैं आज भी लिखेंगे 1600। नेक्स्ट बैड डेट्स, इसका भी संबंध जो है प्रॉफिट लॉस से है, नॉमिनल बट अनप्रोडक्टिव है 300। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस है 4500। सेल्स, ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम है, प्रोडक्शन के बाद सेल्स किया जाता है 72000। क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड क्लोजिंग है, क्लोजिंग फिनिश्ड, फिनिश्ड का संबंध, फिनिश्ड मटेरियल का संबंध प्रोडक्शन से नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 5500। और क्लोजिंग वैल्यू है रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का, निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड गुड्स है, बाय क्लोजिंग रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3500 इसका वैल्यू है और इसका 1900। तो वन बाय वन इंटायर आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पर सूटेबल है, जहाँ पर रूल प्रोवाइड करता है, हम उन सभी स्थानों पर लेन देनों को लिख दिए। अब जब पूरे लेन देन लिख गए तो वन बाय वन एक एक करके सभी अकाउंट का डिफरेंस या बैलेंसिंग या रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट से फिर हमें ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की जानकारी हो जाएगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं डेबिट का वैल्यू ज़्यादा है, निश्चित रूप से बनाने में एक्सपेंस आ रहा है और ये एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा क्रेडिट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। एट हंड्रेड सिक्स फाइव एलेवन थ्री फोर्टीन, फोर्टीन टू सिक्सटीन थ्री नाइनटीन, वन कैरी थ्री वन फोर वन फाइव, 59800। पैरेलल लाइन में टोटलिंग होनी चाहिए हर एक अकाउंट का, 9514 एंड 400 1800, 2354 54400 हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एंटायर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ये एक्सपेंस नेचर का आइटम है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 54400। और इसको लिखने के बाद अब हम डिफरेंस निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, ये डिफरेंस क्रेडिट इज मोर 77500 टोटल आ गया, 77500 डिफरेंस जो निकलेगा वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब डिफरेंस निकालने जा रहे हैं 5415 4610 7 17617 17100, ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में कैरी करेंगे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 17100। फाइनली पीएल अकाउंट का भी अब डिफरेंस निकालेंगे, 17100 टोटल आना चाहिए, क्रेडिट ज़्यादा है, डिफरेंस डेबिट में आएगा और डिफरेंस डेबिट में जो आएगा उसका नाम देंगे हम नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब डिफरेंस निकाल देते हैं 600, 600, 1200, 315, 520, 21, 246, 17, 310 और 7100 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से हमारा एक रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 54400 आ गया,
दूसरा रिजल्ट 17,100 ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट आ गया और तीसरा रिजल्ट हमारा 7,100 नेट प्रॉफिट रिजल्ट आ गया। फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स जो कि हमारा अगला वीडियो होगा उसको जानने से पहले एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर सामानों को प्रोडक्शन के साथ साथ सेल भी करता है, इस कारण से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं एंड देन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है जी इस कंडीशन में जबकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, तो जितने भी आइटम प्रोडक्शन से रिलेटेड थे जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा, एक्सेप्ट फिनिश्ड मटेरियल एंड सेल्स वैल्यू। ओपनिंग फिनिश्ड हो, क्लोजिंग फिनिश्ड हो और सेल्स, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, बनने के बाद प्रोडक्शन के बाद का आइटम है। और इतना ही नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस लॉस थे वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट मशीन का यूज़ होता है, इसलिए उससे रिलेटेड वैल्यू को भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करेंगे। इस तरीके से इन बातों को जानने के बाद अब एकदम स्पष्ट हो गई बात कि अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब हमारे कहने का फाइनेंशियल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में दिए गए, चाहे बुक कोई भी हो, आप सभी को पहले बनाइए। उसको बनाने के बाद आप एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन में दिए गए क्वेश्चंस को भी खुद से बनाइए, देख करके क्वेश्चंस को खुद से बनाइए, और कोई भी बुक हो सभी क्वेश्चन को बनाइए। अगर कोई समस्या फिर भी निकल करके आती है तो आप अपनी बात को कमेंट में आवश्यक रूप से रखिए। अगर कोई क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको बनवाना है तो आप पूरे क्वेश्चन को आप कमेंट में डालिए, हम उसको सॉल्व करके एक वीडियो के रूप में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ कोई भी समस्या अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो बनाने से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में आवश्यक रूप से रखिए। कोई भी समस्या रहने नहीं देना चाहिए, समस्या का समाधान अभी इसी स्टेज में जरूरी है कर लेना, नहीं तो बाद में चल करके वो फिर समस्या परेशान करेगा। इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करके बनाइए। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के बीच में, अपने जानकार लोगों के बीच में, सीनियर्स जूनियर्स के बीच में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।